नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऊपर है। हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइजेस एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे गौतम अडानी ने 2 मार्च 1993 में इस्टाब्लिश किए थे। तो ये जो कंपनी है ये बोथ NSE एंड BSE में लिस्टेड है और उसके साथ साथ ये NSE का निफ्टी 50 कंस्टिट्यूएंट के अंदर भी आता है। तो गौतम अडानी इसके फाउंडर हैं। इसका जो हेडक्वार्टर वो अहमदाबाद गुजरात में है और ये पूरा अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड करता है। इसके जो की पीपल है उसमें गौतम अडानी चेयरमैन है, राजेश अडानी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रणाम अडानी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड विनय प्रकाश इसके भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो इसका जो सर्विसेज मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, फूड प्रोसेसिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर PV सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, डाटा सेंटर्स, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोस्पेस, डिफेंस, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, बंकरिंग एंड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में भी ये इतने सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसका रेवेन्यू देखें आज पर फाइनेंशियल ईयर 2022, इसका टोटल रेवेन्यू 70,432 करोड़ का है। नेट इनकम इसका 1,233 करोड़। इसका टोटल एसेट 1,01,760 करोड़ का है। इसका टोटल इक्विटी 26,9,28 करोड़ का है और इसका पेरेंट कंपनी जो है वो अदानी ग्रुप है। तो आप चलिए हम लोग थोड़ा इसका फाइनेंशियल को भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है तो इसका मार्केट कैपिटल 4,48,186 करोड़ का है। जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका करेंट प्राइस 3,930 रुपीज़ में चल रहा है। इसका स्टॉक पी 371, बुक वैल्यू इसका 277, लेकिन डिविडेंड यील्ड इसका 0.03%, ROCE इसका 7.28%, ROE इसका 4.12% एंड फेस वैल्यू इसका 1 रुपीज़ है। तो दोस्तों चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। प्रोस में देखा जाए तो इसका कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव हाई क्वार्टर एंड डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 98.7 टू 72.1 डेज और कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 31.4 डेज टू 17.9 डेज। तो इसका कॉन्स के बारे में देखा जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से ऊपर 14.2 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है एंड कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 5.24% ओवर लास्ट 3 ईयर्स एंड डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो एट 11.9% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर। तो इसका कॉन्स के ऊपर हमको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका जो प्योर कंपेरिजन वो रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, रेन इंडस्ट्रीज, MMTC, हिंडवेयर होम एंड PTC इंडिया के साथ है। चलिए हम इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है, आप इसका नेट प्रॉफिट हम लोग देखते हैं मार्च 2019 के बाद मतलब मार्च 2020 से देखते हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2020 में नेट प्रॉफिट 1040 करोड़ का हुआ था। मार्च 2021 में ये 1046 करोड़ का हुआ है एंड यहाँ पर मार्च 2022 में इसका प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे गिर गया है, दैट इज 788 रुपीज़। तो चलिए हम लोग कंपनी का CAGR एक बार देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया CAGR ये प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 साल में इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 111% का है और 10 ईयर्स का देखा जाए तो 45% का CAGR, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होता है। 3 साल में भी बहुत अच्छा रिटर्न और 1 ईयर का भी CAGR, मतलब अपना इन्वेस्टर को ये बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। आप यहाँ से नीटली देख सकते हैं। चलिए इसका बैलेंस शीट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। इसका जो टोटल एसेट आप यहां देख सकते हैं, इसका जो टोटल एसेट आज पर 2021 से हम लोग देखते हैं इसका एसेट का क्या क्या कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं मार्च 2020 में इसका एसेट 51,617 करोड़ का था। मार्च 2022 में इसका एसेट 1,01,586 करोड़ का हो गया और सितंबर 2022 में इसका जो एसेट आप देख सकते हैं 1,23,091 करोड़ का, मतलब इसका एसेट में कंटिन्यूस इंक्रीमेंट
हो रहा है। तो चलिए इसका एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है किस तरह का है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो प्रोमोटर का होल्डिंग लगभग 72.28% है, जो कि एक बहुत ही बड़ा शेयर होल्डिंग है। जहाँ और ये बोला जाता है कि जहाँ प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत ज़्यादा होता है वो कंपनी डेफिनेटली इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। हम देखेंगे पिछले 5 या 10 साल में ये किस तरह से अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट बना के दिया है, वो भी हम लोग उसके चार्ट से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, FIS का भी बहुत बढ़िया होल्डिंग है यहाँ पर 15.83% का, DIS का यहाँ पर 5.68% है, पब्लिक सेक्टर के लिए 6.22% का शेयर होल्डिंग है। तो चलिए चलिए दोस्तों हम लोग एक बार इसका चार्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप हमें यहाँ पर 6 मंथ का रिटर्न दिखाता हूँ, 6 मंथ में भी बहुत अच्छा रिटर्न, मतलब 76.63 मतलब लगभग 1705 रुपीज़ का इंक्रीमेंट दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि 6 जून 2022 में इसका शेयर प्राइस 2225 में चल रहा था और आज के डेट में ये 3930 रुपीज़ में चल रहा है। चलिए एक साल का हम लोग देख लेते हैं, एक साल में भी बहुत ही 138%, कितना बढ़िया रिटर्न है आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो जो चलिए ये तो 1 ईयर का मतलब लगभग 1645 रुपीज़ से बढ़कर 3930 रुपी हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं डायरेक्टली आपने इन्वेस्टर को पर शेयर 2284 का इंक्रीमेंट दिया है, मतलब कितना बढ़िया रिटर्न आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। चलिए 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं, 2501%। आप सोच भी सकते हैं कि जो शेयर 8 दिसंबर 2017 को 151 रुपीज़ में चल रहा था, आज के डेट में कितना बढ़िया कितना बेहतरीन अपना इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले पाँच साल, चलिए एक बार मैक्स टू भी कर लेते हैं। मैक्स तो देखिए और भी देख के हैरानी होगी कि ये 1 जनवरी 1919 को 6 रुपीज़ शेयर था और आज के 64,861% का इंक्रीमेंट दिया है। तो हम लोग डेफिनेटली हमारा कुछ ना कुछ स्टॉक इसमें डालने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आप किसी भी स्टॉक को परचेस करने से पहले उस स्टॉक के बारे में अच्छे से जानिए, बिजनेस को अच्छे से समझिए। आपको अच्छा लगा तो आप पूरी तरह से इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़िए, उसके बाद आपके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की डेफिनेटली ज़रूरत होगी, तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और दोस्तों कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने सूझबूझ से ही अपना इन्वेस्टमेंट चालू करें। और इस तरह का और भी वीडियो का लिंक जो केस स्टडीज और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस केस स्टडीज पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर भी आप क्लिक में लिंक करके आप देख सकते हैं इन सब वीडियो को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।